सैमसंग गैलेक्सी M14 21 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है एंड इस फोन के अंदर आप लोगों को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या कुछ दिक्कत है आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलती है, इस फोन के प्लस पॉइंट क्या है, परचेस करना चाहिए नहीं परचेस करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत की दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोगों को चार्जर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 13,500 रुपये में जो इस फोन का आप लोगों को बेस वेरियंट देखने के लिए मिल रहा है 13,490 रुपये का, मतलब 13,500 से 10 रुपये कम। और यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर भाई चार्जर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, चार्जर आप लोगों को अलग से परचेस करना पड़ेगा। एंड आप लोगों को मालूम है कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है फोन एंड 25 वाट वाला फास्ट चार्जर अगर आप लेने जाएंगे तो 2,000 रुपये के लगभग आप लोगों को चार्जर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब भाई 13,500 रुपये का फोन यहाँ पर मैं आ रहा था तो कंपनी को चार्जर इसके अंदर देना चाहिए था, लेकिन चार्जर आप लोगों को इस फोन के अंदर नहीं दिया गया, आप लोगों को अलग से परचेस करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम कि यहाँ पर इस फोन का जो बेस वेरियंट है उसके अंदर आप लोगों को 4GB रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोगों को मात्र बेस वेरिएंट में 4GB की रैम से ये फोन स्टार्ट हो रहा है। कम से कम बेस वेरिएंट में भाई 6GB की रैम कंपनी को देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं दिए। 4GB की रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। एंड अगर आप लोग जो हायर वेरिएंट लेना चाहते हैं तब आप लोगों को 15,000 रुपये पे करना है, जिसके अंदर की आप लोगों को 6GB की रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल रही है। तीसरी दिक्कत कि वी नॉच वाला डिस्प्ले आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि वी नॉच को आने को कितना टाइम हो चुका है, कितने टाइम पहले आया था वी नॉच वाला डिस्प्ले, वीवो के अंदर आया था सबसे पहले, फिर भाई और फोन जो उसके अंदर डालते गए। एंड वी नॉच वाला डिस्प्ले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बजट फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है, जैसे 7,000 वाला फोन हो गया, 8,000-9,000 वाला। एंड जब आप लोग इस फोन को यूज करेंगे तब आप लोग को व्यूइंग एक्सपीरियंस ये काफी ज्यादा खराब कर देगा, आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा दिखने में भाई ये जो। एंड यहाँ पर भाई ये जो वी नॉच वाला डिस्प्ले बहुत ज्यादा चीप दिखता है दिखने में, तो इस चीज को कंपनी ने यहाँ पर मुझे इंप्रूव करना था भाई, पंच होल आप लोगों को देना चाहिए था। जो तीसरी प्रॉब्लम आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलती है वो दोस्तों सैमसंग एक्सिनोस 330 वाला प्रोसेसर। अब ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये एक अच्छा प्रोसेसर है, इसको आप लोग जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेसर की कुछ जो लिमिटेशन है एंड एक्सिनोस प्रोसेसर का रिकॉर्ड अगर हम लोग जो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर देखें तब इतना तो कोई खास नहीं रहा है। वहां पर मैं काफी सारे लोगों को काफी सारे इशू आते हैं इसके अंदर, जैसे कि हीटिंग का इशू हो गया, यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस में काफी सारे लोगों को इशू आते हैं इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एक्सिनोस के प्रोसेसर इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो कंपनी को यहाँ पर इसके अंदर स्नैपड्रैगन वाला काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। उसी के साथ साथ अगर बात कर लो तो अगर आप लोग YouTube वगैरह देखेंगे इस फोन के अंदर तब आप लोग जो फुल HD क्वालिटी से ज्यादा में नहीं देख पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं इस फोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अगर बात कर लो कैमरा सेटअप की तो यहाँ पर आप लोगों को पीछे की साइड में 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहे हैं। जो प्राइमरी सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है एंड 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे देना बिल्कुल भी कोई काम की बात नहीं है, कोई यूज नहीं करता और कोई यूज है भी नहीं उसका। ये 2 कैमरे और एक्स्ट्रा देने से अच्छा कंपनी यहाँ पर जो है फोन के ऑप्टिमाइजेशन में खर्चा कर सकती थी, यहाँ पर मैं वी नॉच डिस्प्ले को हटा के जो है पंच होल वाला डिस्प्ले लगा सकती थी, लेकिन यहाँ पर 2-2 मेगापिक्सल के फालतू अटाला कैमरे आप लोगों को इस फोन के बैक कैमरे के अंदर दे दिए गए। फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा देखने के लिए मिल रहा है एंड आप लोग जो फुल HD 30 FPS में जो शूट कर पाएंगे बैक कैमरे से फ्रंट कैमरे से, 4K आप लोग शूट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात कर लें बैटरी की तो ये काफी बढ़िया पॉइंट है इस फोन का कि भाई 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रही है। अगर आप लोगों का इतना ज्यादा यूज नहीं है फोन का तब आप लोग 2-3 दिन इस फोन को बिना चार्ज करे निकाल पाएंगे एंड सिंगल चार्ज पे ये फोन आप लोगों को 1-1.5 दिन का बैकअप आराम से दे देगा, तो बैटरी आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बात वही आ जाती है कि चार्जर आप लोगों को अलग से परचेस करना पड़ रहा है। और एक बात है दोस्तों कि नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो जी हाँ दोस्तों जो 5G फोन है ये मतलब फ्यूचर प्रूफ है, फ्यूचर में भी जल्दी यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ डिस्प्ले आप लोगों को इस फोन का थोड़ा सा ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, 90Hz का आप लोगों को पैनल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर दोस्तों कंक्लूजन की बात कर ले कि भाई आप लोगों को इस फोन को परचेस करना चाहिए नहीं परचेस करना चाहिए, थोड़ा सा दोस्तों बोलना चाहूंगा कि सैमसंग ने यहाँ पर मैं अपना फायदा देखा है एंड काफी सारी चीजों में जो कॉस्ट कटिंग सैमसंग ने करने की कोशिश की है एंड आप लोगों को जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो जो प्रोवाइड करा सकते थे फोन से, जितना अच्छा डिस्प्ले परफॉर्मेंस आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते थे वो आप लोगों को नहीं कराया, चार्जर आप लोगों को बॉक्स के अंदर नहीं दिया, बिल्कुल सैमसंग ने इस फोन के अंदर जो है कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश एंड एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाने की कोशिश की है। वैसे आप लोग जो इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे जो कमेंट में जरूर बताना, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले।